घुमा दो। ये बड़े बड़े हॉल में, पार्टी हॉल में, जहां आपको, जहां हमने 1.5 टन के 6-6 एसी हटा दिए, एक कूलर 900 वाट का कूलर है, फर्स्ट क्लास काम करता है बहुत। सो गाइस, यहाँ पे आपको इस तरह के कूलर मिलने वाले हैं ना, जिसका कूलर का नाम है हवा हवाई कूलर। और गाइस, ये आपको ऐसी हवा देने वाली है ना, अगर आपने अपने छोटे घर पे अगर लगा लिया इस कूलर को, तो आप एक दीवार तोड़ के आप सीधा बाहर चले जाओगे। सो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास। मेरे पीछे आप इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। सो चलते हैं यहाँ पे, और गाइस इंट्रो जो है मैं यहीं स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो गाइस वेलकम बैक अनदर ब्लॉग दोस्तों, हमारी बस्ती झांगी ओनली मस्ती। थंबनेल टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि आज की ब्लॉगिंग की चीज कवर होने वाली है। सो मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास, आपने तो देख लिया होगा। और बाकी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ इंद्रलोक कूलर मार्केट में, जहाँ पे कैसे आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में कूलर मिलने वाले हैं। एंड किस अभी तक की मेरी वीडियोस के अंदर और ऑल दिल्ली के अंदर अभी तक आपने इतने बड़े कूलर नहीं देखे होंगे, जिस जो कूलर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली से बाहर से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और दिल्ली के किसी भी कोने से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सीधा इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर आ जाना, आपको नजदीकी वो शॉप मिल जाएगी। कम से कम 2 से 3 जगह पर शूट है आज मेरा, तो बाकी देखते हैं किस टाइप का शूट होने वाला है। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक वो जरूर करना, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शॉप पे, चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 36 इंची कूलर है, बड़े बड़े पार्टी हॉल के लिए, बड़े गार्डन के लिए, बड़े ओपन रेस्टोरेंट के लिए, बैंकेट हॉल के लिए बहुत सुटेबल है। और इसमें जो है आपको ट्रिपल लेयर की फाइबर हैवी बॉडी है, और इसकी जो बॉडी की हाइट है 6.5 फुट के करीब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका जो फ्रंट है 50 इंची फ्रंट है, और बैक जो है इसकी जो बॉडी का साइज है ये लगभग 28 इंच है, पीछे बैक पे जा रही है। और हैवी 4 इंची हनी पैड एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए 4 इंची हनी पैड है, और जो वेट पैड का एरिया है ये लगभग 22 स्क्वायर फुट हनी पैड है इसमें, जो कि कूलिंग बहुत अच्छी देते हैं। और इसका जो टैंक है 300 लीटर का टैंक है, और इसमें जो है आपका फ्लोट वाल लगा हुआ है, पानी भरने के बाद ऑटोमेटिक जो है इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट टंकी से, ठीक है जी। और नीचे इसके व्हील की जो ट्रॉली है, ब्रेकेबल व्हील हैं, और हैवी व्हील हैं बहुत, एंगल की ट्रॉली है नीचे, जो लॉन्ग लाइफ इसको प्रदान करेगी। और वाटर लेवल का इंडिकेटर, वाटर लेवल लगा हुआ है, और पानी की टंकी भरने के बाद ये सुई आपकी वाटर लेवल फुल शो कर देगी। और ये सबसे टॉप क्वालिटी है, सबसे बड़ा कूलर है, मेरे ख्याल दिल्ली में इससे बड़ा कोई कूलर बनाता नहीं है। 36 इंची फैन साइज है ये, और स्टील का जाल है आगे, लॉन्ग लाइफ, कोई जंग नहीं लगेगा, प्योर स्टील, हैवी ड्यूटी बॉडी भी है, जो इसकी 10 से 15 साल लाइफ है, ट्रिपल लेयर की हैवी बॉडी है ये नहीं। और ये ही बनाते हैं? हाँ जी, ये अपना ही बनता है, हमारा 35 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इसको बनाने में, हम फाइबर के कूलर 35 साल से बना रहे हैं। ये फेडरल का मार्का है, हमारा अपना मार्का है, इस मार्का से हम कूलर बेचते हैं। हमारी इसकी दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं है, 18 नंबर शॉप है इंद्रलोक में, आप यहां से आप डायरेक्ट फैक्ट्री रेटों पे आपको कूलर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास और भी एक्सक्लूसिव आइटम है, जैसे कि हमें आपको दिखाना चाहूँगा, ये हैवी ड्यूटी पंखा, इसमें 1400 RPM का 24 इंची में 4x4 6 फुट की हाइट की बॉडी का साइज है, आप इसमें चारों तरफ हनी पैड लगवा के छत के ऊपर डक्टिंग कर सकते हैं। ये जो कूलर है लगभग 1000 गज के लिए एक कूलर बहुत है, डक्टिंग के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चारों तरफ हनी पैड हैं, 12 स्क्वायर फुट हनी पैड एक तरफ है, और इसमें 48 स्क्वायर फुट हनी पैड लगेगा 4 इंची, लगभग 350 लीटर का टैंक है, ठीक है जी। नीचे जो ट्रॉली ऑप्शनल है, आप लेना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज बिना ट्रॉली के लगता है, छतों के ऊपर लग के
ऊपर से डक्ट आती है, डक्ट आ जाएगी इसकी पूरी की पूरी, जो भी होगा आपको उसका आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डक्ट बन जाएगी। क्या बात है सर, इसकी जो आप बनावट जो कर रखी है, ये ऐसी बनावट सिर्फ आपके शॉप पे ही अवेलेबल होगी? हाँ, ये पहली बार हमने बनाया है, पहले हम लोहे में बनाते थे, तो कस्टमर की डिमांड हुई कि जी आप इसको हनी पैड में बनाइए। अच्छा, जो हनी पैड है उसकी कूलिंग बहुत होती है और जो उसकी लाइफ भी 3 से 4 साल हनी पैड की, ठीक है। और उसमें जो हनी पैड का कूलर है मॉइस्चर कम करता है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसमें हाई स्पीड पंखा लगा हुआ है जिसकी की कैपेसिटी आपको कम से कम 1000 गज में इसको ही आपका ठंडा कर देगा। इसमें कलर भी अवेलेबल होंगे क्या? हाँ, कलर आपके वैसे तो कलर की कोई दिक्कत नहीं, कलर जोन से कहेंगे मिल जाते हैं इसमें। हाई स्पीड फैन है 1400 RPM का, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी। ये प्योर कॉपर वाइंडिंग की मोटर है, SKF के बैरिंग है, बिल्कुल गारंटी, 1 साल की गारंटी है, कॉपर वाइंडिंग में जेन्युइन SKF के बैरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पिछले 2-3 साल से लगाए हैं कूलर साइड्स पे, कोई कंप्लेंट नहीं है मोटर। जहाँ हमने 1.5 टन के 6-6 AC हटा दिए, एक कूलर 900 वाट का कूलर है, फर्स्ट क्लास काम करता है, बहुत बढ़िया। आपको इसके अलावा और भी साइज मिल जाएंगे, 36 इंची में ये साइज दिखाया था मैंने आपको, 36 इंची में एक ये मॉडल भी है, स्क्वायर में 36 इंची में है, इसमें 16 स्क्वायर फुट हनी पैड है पीछे, उसमें 22 स्क्वायर फुट है, वो उसकी वो बॉडी से बड़ी है या उससे थोड़ी सी छोटी साइज, कॉम्पैक्ट साइज है। उसके अलावा आपको 24 इंची के मॉडल मिल जाएंगे कॉपर वाइंडिंग की। हमारे यहाँ कूलरों की खासियत यह है कि सब में कॉपर वाइंडिंग की मोटर है, हम एल्युमिनियम वाइंडिंग मोटर यूज नहीं करते, जेन्युइन कॉपर वाइंडिंग की मोटरें मिलेंगी आपको 1 साल की गारंटी के साथ और लॉन्ग लाइफ है। आज की डेट में ये वाला 18 इंची हनी पैड वाला कॉपर की पंखे में एग्जॉस्ट फैन में डबल बॉल बेयरिंग का पंखा है, ये इस टाइम 5200 का है, 5200 का, ठीक है जी। और आप जैसे अगर आप कोट महीना पहले 5000 का था और अभी जब बहुत पीक होगी तो 5500 तक हो जाएगा, भाई इतनी वेरिएशन रहती है, इससे ज़्यादा वेरिएशन होती नहीं। जैसे ये भी कूलर है, ये इस टाइम 8000 का है, हमारा जाने के लिए तैयार पड़ा है पार्टी के पास, उनका गार्डन है, ओपन गार्डन में जा रहा है, ये रेस्टोरेंट है वो, और ये गाड़ी तैयार है इसमें लोड होने के लिए, ओपन जगह के लिए है, बहुत बड़ी जगह है, लगभग 500 गज का है वो साइज। हाँ, साइज है जो आपको साइज के हिसाब से जो साइज चाहिए अवेलेबल है हमारे पास, 36 इंची, 30 इंची, 24 इंची, 18 इंची, जो भी होंगे सारे के सारे कॉपर वाइंडिंग में, अच्छी चीज की मोटर, बढ़िया क्वालिटी की होगी, अपनी बनी हुई जेन्युइन चीज होगी। और ये भाई जो है शॉप में ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये टेम्पो पे इनका जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बुधा गार्डन बताया जो भी इन्होंने, और शॉप जो है सामने वो रहे। इन बड़े कूलर्स के अलावा हमारे पास छोटे कूलर्स भी अवेलेबल हैं जो कि फाइबर बॉडी में है, जिनमें जंग नहीं लगता, पेंट नहीं करना पड़ता, जो कम से कम 10 से 15 साल लाइफ है बॉडी की, मोटर की गारंटी तो 1 साल की है लेकिन बॉडी आपकी बहुत लॉन्ग लाइफ है, मतलब आपको टेंशन फ्री कूलर है ये। जहाँ तक प्राइस की बात है, इसके जो प्राइस है सीजनल आइटम है, सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, तो जब भी आपको चाहिए होगा आप मेरे को फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको उस टाइम जो करंट प्राइस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, कस्टमर रॉ मटेरियल जो है जो इसके रेट कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, सीजनल आइटम है, सीजन के अंदर इसके रॉ मटेरियल रेट बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम जो भी होगा 200-400 रुपये का फ़र्क आता है, तो वो जो उसी वक्त आप जब फ़ोन करके कोई चीज़ लेना चाहेंगे मैं आपको वीडियो से उसकी फ़ोटो भी भेजूँगा और आपको उसके रेट भी बताऊँगा, ठीक है। और हम मैन्युफैक्चरर हैं, डायरेक्ट कस्टमर के लिए, रिटेल के लिए बनाते हैं हम, होलसेल का काम लगभग जो होलसेल रेट है वही रिटेल रेट है, क्योंकि हमें पता है हमारा कस्टमर बड़ी दूर दूर से आता है, तो हमारे पास जब आएगा इतनी दूर से, जब तक उसको होलसेल रेट पे नहीं देंगे तो वो हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कस्टमर हमारे से लेगा नहीं माल, तो हमारे यहाँ कस्टमर होलसेल रेट है आपका, और जो विद इन 5, 7, 8 किलोमीटर तक हम फ्री होम सर्विस भी देते हैं। हमारी शॉप जो है शॉप नंबर 18 इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से, जो जखीरा वाली मेट्रो लाइन जा रही है, मेट्रो पिलर नंबर 9 के बिल्कुल पास है शॉप। वैसे तो सरदार जी कूलर शॉप के नाम से मशहूर है, हमारा फेडरल टेक्नोक्रेट फेडरल ब्रांड है, फेडरल ब्रांड के कूलर हम ही बनाते हैं, हमारा अपना रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर फरवरी मार्च में आएंगे आपको रेट कम मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा हमारा सीजन भी ऑफ होता है, हम आपको उसमें आपकी जो है डिस्काउंट देंगे। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, नहीं लगी कमेंट से जरूर बता देना, चलते हैं और वीडियो एंड करते हैं।